2019 के चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश सरकार साधु संतों के लिए एक नई पेंशन योजना ला सकती है। यस ठीक रहा तो ये प्रस्ताव सरकारी मंजूर के बाद साधुओं को पेंशन देने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि चुनाव योगी के हिंदू कार्ड पर अखिलेश भी दिखे, लेकिन व्यंग की चोट के साथ अखिलेश सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर देनी है पेंशन तो सबको दे। जहां नागा साधुओं का डेरा और अब निरंजनीय अखाड़ा संगम की ओर प्रस्थान कर। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सिद्ध गंगा मठ के स्वामी जी का निधन हो गया है। शिव कुमार स्वामी जी के निधन की खबर आ रही है, और हालांकि 111 साल की उम्र में स्वामी जी का निधन हुआ है। लंबी आयु उन्होंने जी है और उनका योगदान जबरदस्त रहा है, क्योंकि सिद्ध गंगा मठ के जो स्वामी जी हैं शिव कुमार जी, उन्हें परम वंदनीय उनके भक्तों के बीच जाना जाता है, और उनके आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। गर्व की अनुभूति उन लोगों को होती थी, और आज दोपहर में ही अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम भी किया गया है, लेकिन कर्नाटक में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।